अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बेटा, केमिस्ट्री का लेक्चर है बेटा। लास्ट टाइम बेटा हम लोग पढ़ रहे थे पीएच फाइंड आउट करने की बेटा मेथड्स। तो हमने बेटा इंडिकेटर मेथड को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बेटा जा रहे हैं, ईएमएफ मेथड। कि ईएमएफ मेथड को बेटा यूटिलाइज करके आप लोग कैसे बेटा पीएच फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले बेटा ये बता दें आप लोगों को कि पीएच क्या होती है। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बेटा आप लोग पीएच बोलते हैं। उसके लिए बेटा जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं बेटा, उसकी जरा डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले अच्छा जी बेटा, ये बेटा आप लोगों के पास ऑपरेटर्स गिवन है। ईएमएफ मेथड को फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप लोग एक इलेक्ट्रोड यूज करते हो, उसको बेटा बोलते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि ईएमएफ मेथड होता क्या है हमारे पास और हम इससे बेटा कैसे पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेटा, पीएच होती है हाइड्रोजन नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। सबसे बेस्ट मेथड पीएच को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं ईएमएफ मेथड। इसका बेटा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बेटा ये है कि हम लोग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उस एक्टिविटी को बेटा फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप लोग एक पूरा ऑपरेटर सेट करते हो, एक सेल बनाते हो, और सेल के अंदर आप लोगों को पता है कि एक दो तरह के बेटा इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। उन इलेक्ट्रोड पर बेटा जो पोटेंशियल पैदा होता है, उस पोटेंशियल की मेजरमेंट करके हम लोग ये बता सकते हैं कि उस पोटेंशियल को अप्लाई करके बेटा हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की पीएच कितना है। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि पीएच क्या चीज होती है। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। बेटा आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, जिसको बेटा आप लोग नाम देते हो पीएच। पीएच फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, ईएमएफ मेथड यूज करते हैं।
इसका बेटा बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं, एक सेल क्रिएट करके उन दोनों इलेक्ट्रोड पर बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन की जब कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाती है बेटा, उसी को आप लोग ईएमएफ मेथड के अंदर अप्लाई करके पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बेटा पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बेटा हमें चाहिए होता है ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड बेटा एक ऐसा मोस्ट कन्वीनियंट इलेक्ट्रोड है जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका बेटा बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आप क्या करते हैं, दो अननोन सॉल्यूशन लेते हैं और उनको बेटा एक ग्लास बल्ब की मदद से बेटा सेपरेट कर लेते हैं। ऑपरेटर्स के अंदर बेटा आप लोगों को दो एक बेटा बीकर गिवन है और दरमियान में बेटा एक बल्ब गिवन होगा। जिस सॉल्यूशन की बेटा आप लोग पीएच फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा, उसको इस अननोन सॉल्यूशन जिसको बेटा आप लोग नाम देते हैं, उसको बेटा इस बल्ब के अंदर रख देते हैं। और ये बेटा पूरा ऑपरेटर्स होता है हमारे पास, पूरा असेंबली इसको बेटा बोलते हैं। ये जो सारे का सारा आप लोगों के पास गिवन है इसको बोलते हैं असेंबली। इसके अंदर क्या करते हैं, दो अननोन सॉल्यूशन डाल देते हैं। जिस सॉल्यूशन की हमने पीएच फाइंड आउट करनी हो बेटा, उसको इस बल्ब के अंदर, और बाकी बेटा ये दूसरा अननोन सॉल्यूशन, और इसको आप लोग सेपरेट कर देते हो एक बल्ब के या ग्लास मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको आप लोग क्या करते हो, बंद कर देते हो। अब क्या है बेटा, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशन की पीएच डिफरेंट है, इनके अंदर हाइड्रोजन आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी या एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा और उस पोटेंशियल की वैल्यू इन दोनों के पीएच के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। जिसका जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उसकी उतनी ज्यादा पीएच वैल्यू ज्यादा होगी। इसको दोबारा से बेटा समझ लें, ग्लास इलेक्ट्रोड का बेटा प्रिंसिपल ये है कि आप दो अननोन सॉल्यूशन लेते हैं, दो अननोन सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, इस बल्ब के अंदर जिस सॉल्यूशन की आप लोगों ने पीएच फाइंड आउट करनी है उसको पुट करके दूसरा सॉल्यूशन उसके मतलब दूसरे बीकर के अंदर डाल देते हैं। इसको बेटा बोलते हैं असेंबली। अब क्या होता है बेटा, दो अननोन सॉल्यूशन है तो उनके दरमियान क्या होगी, आयन की एक्सचेंज होगी। आयन की एक्सचेंज करने से क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी, और दोनों हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है उनके पीएच वैल्यू के ऊपर। अब आपने करना क्या है, इस सारे सिस्टम को आप लोग क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस एच ई के साथ जोड़ देते हो, या बेटा एस सी ई के साथ क्या करते हो, जोड़ देते हो। एस एच ई स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एस सी ई स्टैंडर्ड कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ बेटा क्या करते हो, जोड़ देते हो। और आप लोगों को पता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और उसकी हमेशा आप लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस या उसके पोटेंशियल का आप लोगों को पता होता है। जैसे बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इनऑर्गेनिक का पढ़ा था एस एच ई की फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जब आप लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हो तो उसका पोटेंशियल हमें पता है कि 0.00 होता है। इसी तरह आप लोगों के पास एस एच ई एस सी क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि जुड़े होते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ। अब इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो बेटा कन्वर्जन होती है उसके लिए इक्वेशन हमारे पास बनती है Eg is equal to Eg naught minus RT over F log natural of hydrogen ion concentration. Eg बेटा कांस्टेंट होता है सॉल्यूशन का, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F फैराडे लॉ, और log naturally बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। जब बेटा आप लोग इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें या 298 केल्विन पर बेटा करते हैं तो इसकी वैल्यू बेटा, जब आप इसके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हो तो बेटा हमारे पास वैल्यू आती है ई जी नॉट माइनस 0.0591 पीएच। ये बेटा आप लोगों के पास आती है वैल्यू पोटेंशियल की, जो आप लोग क्या करते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर दो सॉल्यूशन को डालकर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा से बेटा एक दफा समझ लें जो हमने अब तक पढ़ा है। EMF मेथड क्या होता है, सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करने के लिए। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं बाय क्रिएटिंग ए सेल। सेल के अंदर आप लोगों को पता है मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के रिवर्सिबल होता है।
अब उन्हीं हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन का पोटेंशियल फाइंड आउट करके आप लोग बता सकते हो कि इस सॉल्यूशन का पीएच कितनी है। अब आपके पास जो ईएमएफ मेथड होता है ये सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है और एक्यूरेट मेथड होता है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करने के लिए। ईएमएफ मेथड के अंदर बेटा आप लोग एक ग्लास इलेक्ट्रोड यूज करते हो। ग्लास इलेक्ट्रोड का बेटा फंक्शन क्या होता है इसके अंदर बेटा, इस पूरे बेटा प्रोसेस, ये जो आप लोगों के पास ये सारा पिक्चर गिवन है इसको बेटा बोलते हैं असेंबली। असेंबली के अंदर क्या होता है, एक आपके पास बल्ब लगा होता है, दो सॉल्यूशन पुट किए जाते हैं जिनकी पीएच अननोन होती है, एक जिसकी पीएच फाइंड आउट करनी है बेटा उसको इस बल्ब के अंदर और दूसरा बेटा इसके अंदर रख दिया जाता है। अब क्या होता है बेटा, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं तो उनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कन्वर्जन होगी, आयन एक्सचेंज होंगे, उसकी जो आयन एक्सचेंज होंगे बेटा उसके पोटेंशियल को आप लोग फाइंड आउट करोगे और उसके पोटेंशियल डिपेंड करता है दोनों सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर। उसके लिए बेटा हमारे पास एक इक्वेशन बनती है कि Eg is equal to Eg naught minus RT over F log natural AH negative। अब नस्ट इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी बेसिकली बेटा नस्ट इक्वेशन है, लेकिन ये नस्ट इक्वेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिस्से में बेटा गिवन है। तो Eg is equal to Eg naught minus RT over F log natural AH negative। अब Eg बेटा दोनों सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट होता है, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, F बेटा फैराडे और लॉग नेचुरल H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब अगर बेटा इसी को सारे आप लोग कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करें बेटा तो हमारे पास आंसर आता है Eg is equal to Eg naught minus 0.0591 pH। किसी भी बेटा सेल का पोटेंशियल जो होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। अगर आप किसी भी टोटल सेल का बेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्योंकि बेटा हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है रेफरेंस सेल और दूसरा बेटा हमारे पास होता है जो हमने ग्लास इलेक्ट्रोड यूज किया है। हमने बेटा करना है पूरे सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट और हमें पता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हमें ऑलरेडी पता होता है ईएल बेटा ग्लास इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है। EL की बेटा हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, E cell is equal to E reference minus EG naught minus 0.059 pH। ये बेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है। अब हमें चाहिए बेटा EG की वैल्यू, EG की वैल्यू हमें पता है हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, EG naught minus 0.059 pH जो हमारे पास इन दोनों के डिफरेंस की वजह से पीएच की या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी बेटा हम लोग क्या करेंगे उसको यहां पर पुट कर देंगे और जो बेटा ईजी की वैल्यू या जो हमारे पास ईजी का बेटा आंसर आएगा हम लोग क्या करेंगे यहां पर पुट कर देंगे। अब हमारे पास बेटा पूरी इक्वेशन आ जाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रेफरेंस माइनस ईजी नॉट। ईजी नॉट क्या है बेटा, जो हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है इसको बेटा आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा सेल का और इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को बेटा यूटिलाइज करके आप लोग ये बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की पीएच कितना है। अगर बेटा हम इसके असेंबली की बात करें और इसके अंदर अरेंजमेंट को देखें बेटा तो हमारे पास जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है बेटा वो एक प्लाटिनियम वायर के साथ जुड़ा होता है। प्लाटिनियम की जगह बेटा आप लोग सिल्वर भी यूज कर सकते हैं और उसके जो बेटा सॉल्यूशन यूज करोगे वो हमारे पास होगा सिल्वर क्लोराइड। तो बेटा ये सिल्वर क्लोराइड 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl ग्लास सॉल्यूशन वो जिसकी बेटा हम लोगों ने पीएच फाइंड आउट करनी हो और बेटा हमारे पास SCE क्या होगा, स्टैंडर्ड कार्बन इलेक्ट्रोड या इसकी जगह आप लोग यूज कर सकते हो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो बेटा ग्लास इलेक्ट्रोड मेथड होता है ये सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है। हर किस्म के एसिड या बेस की बेटा पीएच फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा अगर आप लोग इंतहाई हार्ड एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड यूज करोगे तो उसके लिए फिर ये होता है कि वो इस ग्लास के साथ रिएक्ट करके इसको इम्प्योर कर सकता है। तो उसके लिए बेटा आप लोग ऐसा कोई केमिकल यूज करोगे या ऐसा स्पेसिफिक ग्लास यूज करोगे जो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट ना करे। तो ये बेटा हमारे पास है ईएमएफ मेथड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल आप लोग किसी भी सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर लें और उसी पोटेंशियल को यूज करके आप लोग पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा से बेटा एक दफा करते हैं,
हमारा बेटा क्वेश्चन है ईएमएफ मेथड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेथड। अगर बेटा किसी भी सॉल्यूशन का आप लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को पोटेंशियल की फॉर्म में कैलकुलेट कर लें, तो बेटा उसको आप लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड मेथड बेसिकली डिपेंड ही क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ग्लास इलेक्ट्रोड एक बेसिकली इलेक्ट्रोड होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बेटा हम लोग इसके ऑपरेटर्स की बात करें तो बेटा ग्लास इलेक्ट्रोड एक ऐसी असेंबली पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर एक बल्ब होता है जिसके अंदर आप लोग अननोन सॉल्यूशन को डालते हैं, इसके अंदर, इसके बाहर बेटा दूसरा सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। इन दोनों के अंदर बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है दोनों सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर। ये बेटा हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें पता है कैसा इलेक्ट्रोड, जिसकी ऑलरेडी हमें कंसंट्रेशन या वैल्यू का पता हो। अब हम क्या करते हैं बेटा, जब आप लोग इसको सॉल्यूशन को डालते हैं बेटा, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होती है। कंसंट्रेशन चेंज होगी हाइड्रोजन आयन्स की एक्टिविटी की वजह से पोटेंशियल पैदा होगा, उसी पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन बेटा हमारे पास बनती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रेफरेंस माइनस ई एल। रेफरेंस का मतलब हाइड्रोजन आयन है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या फिर स्टैंडर्ड कार्बन इलेक्ट्रोड है, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। ई एल बेटा रिप्रेजेंट करता है ग्लास इलेक्ट्रोड को, ग्लास इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। असेंबली की बात करें तो बेटा सिल्वर होता है, सिल्वर क्लोराइड 0.1 नॉर्मल HCl, ग्लास सॉल्यूशन पीएच इसकी फाइंड आउट करनी हो, और उसको बेटा जोड़ दिया जाता है स्टैंडर्ड कार्बन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब देखें बेटा हमें रेफरेंस का भी पता है, ईएल की वैल्यू हम खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह बेटा, इन दोनों ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर मौजूद इन दोनों सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा उससे बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू हो जाती है। और इस तरह से बेटा हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनकी मदद से आप लोग ई सेल को यूज करके पीएच फाइंड आउट करें। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, ईएमएफ मेथड या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेथड, मतलब किसी भी सॉल्यूशन का आप लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो। पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद आप उसको इक्वेशन के अंदर पुट करो, इक्वेशन को मतलब पोटेंशियल की वजह से आप लोग पीएच भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये जो पीएच होती है बेटा क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पोटेंशियल क्रिएट करती है, पोटेंशियल को आप लोग इक्वेशन के अंदर पुट करें तो इसकी वजह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा बेटा, ग्लास इलेक्ट्रोड इंतहाई सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं जैसे कोई HCl हो गया या कोई ऐसा कंसंट्रेटेड एसिड जो ग्लास के साथ रिएक्ट कर जाए, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा मोस्ट कन्वीनियंट मेथड यूज करते हैं जिसकी मदद से वो जो सॉल्यूशन है वो ग्लास के साथ रिएक्ट। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, ईएमएफ मेथड या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेथड। और ये बेटा इंतहाई अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्कस मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच। बेटा आप लोगों के पास नोट्स के अंदर बेटा गिवन है सारी की सारी ये डायग्राम बेटा नोट्सों के अंदर गिवन है, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये बेटा डायग्राम गिवन है, ये बेटा हमारे पास हो गया ग्लास इलेक्ट्रोड। इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा आप लोग ये जो बल्ब नजर आ रहा है बेटा, इसके अंदर आप लोग ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं जो जिसकी हम लोगों ने पीएच फाइंड आउट करनी हो। तो ये बेटा इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ कुड यू फाइंड पीएच बाय यूजिंग ईएमएफ मेथड या दूसरा इंडिकेटर मेथड भी बेटा पढ़ाया था उस दिन। इंडिकेटर मेथड बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले बेटा चले इसको भी जरा हाईलाइट कर देते हैं बेटा। इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको बेटा एसिड या बेस के अंदर डाला जाए तो उसके डालने की वजह से क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कलर्स की फॉर्मेशन होती है। उन कलर्स की फॉर्मेशन हमें क्या देती है बेटा, किसी भी चीज के एसिड या बेस होने का इंडिया देती है। अगर एसिड होगा तो उसका डिफरेंट कलर होगा, बेस होगा तो उसका डिफरेंट कलर होगा। अब उसी को मतलब अगर हमें ये पता चल जाता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तो उसकी मदद से हम लोग उनकी पीएच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर मेथड बेसिकली कलर्स की बुनियाद पर किसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक ही बेटा हमारा यही है कि इंडिकेटर क्या होता है, एसिड एक इंडिकेटर क्या होता है, बेसिक इंडिकेटर क्या होता है,
और रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है, और किसी भी एसिड के अंदर या बेस की पीएच फाइंड आउट करते वक्त उनका कलर चेंज क्यों होता है। तो ये बेटा हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के हवाले से बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नोट्सों के अंदर बेटा डायग्राम आप लोगों की ऑलरेडी गिवन है, इससे बेहतर है मेरे ख्याल में वो। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था ईएमएफ मेथड। अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो बेटा इक्वेशन होती है ना, एजी एजी सीएल 0.1 नॉर्मल एचसीएल सॉल्यूशन, ये बेटा पूरा एक इक्वेशन होती है किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल इस पूरे सेल को अगर हम लोग ना बनाए और ये लिख दें, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सिल्वर यूज किया, सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन यूज किया, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एचसीएल फाइंड आउट यूज किया, ग्लास इलेक्ट्रोड यूज किया, और उसके बाद बेटा सोल्यूशन। अच्छा बेटा नोट्स अवेलेबल नहीं है बेटा। देखिए बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात कही थी कि नोट्सों के हवाले से आप लोग जुबैर साहब से कांटेक्ट कर लिया करें कि सर जी हम इस दिन आएंगे तो काइंडली आप लोग नोट्स कॉपी करवा के रख दें। बेटा नोट्स तो मैंने कब के दिए हुए हैं और वो फोटोकॉपी भी हुए पड़े हैं, तो आप लोग काइंडली जब आप लोगों का भाई या अबू आने लगे तो पहले जुबैर साहब से कन्फर्म कर लीजिएगा कि सर नोट्स फोटोकॉपी हुए पड़े हैं, हम लोग रिसीव कर लें या नहीं। ये बेटा आप लोग जुबैर साहब से पहले कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद बेटा आप लोग आइए। अभी बेटा मैंने चेक नहीं किया, पेपर देख लेते हैं क्या फारूक। अच्छा बेटा मैं इंशाल्लाह अभी जाके बेटा चेक करता हूँ। तजुर्बा कहते हैं कोई नहीं। अच्छा चलिए बेटा मैं अभी जाके जुबैर साहब से बात करता हूँ आप लोगों के नोट्सों के हवाले से, तो बाकी देख लेते हैं बेटा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। आप लोगों के बेटा पेपर मिल चेक तो मेरे ख्याल में नहीं हुए आज। अगर आप लोगों ने आज भिजवाए बेटा तो अभी का नहीं पता, अभी तो सर ने नहीं दिए। इंशाल्लाह मजीद बेटा देख लेते हैं अभी जाकर। चलिए ठीक है बेटा सैटरडे को। अच्छा आपने बेटा मतलब सैटरडे को भिजवाए थे पेपर। अच्छा चलें ठीक है बेटा, आज उन्होंने मुझे दिए नहीं वैसे, लेकिन मैं जाके बेटा मजीद चेक कर लेता हूँ। और ये बेटा शेड्यूल अलवीना ने बनाया था या मरियम ने? हाँ जी बेटा लास्ट वीक वाले हो गए थे, लास्ट वीक वाले बेटा हो गए। ये जो बेटा फिजिकल का शेड्यूल किसने बनाया बेटा, वो भी काइंडली बेटा अपने पेपर के साथ भिजवा दीजिएगा आप लोगों को ग्रुप्स में भी बेटा। अच्छा चलो ठीक है बेटा। तो बेटा जिनके पास हार्ड कॉपी हो ना तो काइंडली बेटा वो आपने सेंड कर देने हैं पेपर के साथ, जैसे आप लोग पेपर भिजवाते हैं ना बेटा, शेड्यूल भी सेंड कर दीजिएगा ताकि बेटा हमारे पास हार्ड कॉपी हो, फिर उससे देखकर आप लोगों के टेस्ट। चलिए ठीक है बेटा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप तो ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर बेटा आप लोग क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया बेटा।